तो गाइस वेलकम बैक हो गया एकदम लेटेस्ट व्लॉग में आप सभी लोगों का। आज मैं तुम लोगों को बताने वाला हूँ कैसे मैंने अपनी ड्रीम बाइक और अपने बीच की दूरी को एकदम मिटा दिया। ओके तो गाइस थोड़ा टाइम लग गया बट यस बाइक तो धुल गई है और अब मैं तुम लोगों को दिखाता हूँ कि मैं अपने फेस के लिए क्या क्या करता हूँ, क्योंकि सबको पता है यार कि मैं ज़्यादातर टाइम बहुत लेट नाइट तक सोता हूँ विद एडिटिंग एंड रिकॉर्डिंग, कभी कभार स्ट्रीमिंग। तो यस आज मैं तुम लोगों को दिखाऊंगा कि हाउ डू आई लुक सो फ्रेश इवन जब मैं लेट नाइट उठता हूँ, सोता हूँ और जल्दी उठता हूँ। तो चलो चलते हैं और देखते हैं मेरा फेस रूटीन में मैं क्या क्या करता हूँ। तो गाइस जो फेस वॉश मैं अभी यूज़ कर रहा हूँ वो है मामा अर्थ का विटामिन सी एंड टर्मरिक फेस वॉश। भाई ये इतनी कूल चीज़ है ना, खास करके इसका जो सिलिकॉन ब्रश है भाई, इसमें 250 पंप्स है, मतलब ये 90 दिन तक चला सकते हो तुम लोग अगर चलाना चाहते हो तो। भाई देखो लिटरली देखो, बस एक पुश देना है ठीक है, नो यूज़ ऑफ हैंड्स, यू जस्ट हैव टू लाइक रब इट लाइक दिस। और इसमें जो विटामिन सी है वो आपकी स्किन को एकदम क्लियर करता है और एक नेचुरल ग्लो देता है आपकी स्किन को। और बाकी तो यार हम इंडियंस हम सबको पता है टर्मरिक के कितने यूज़ होते हैं, भाई हल्दी कितनी ज़्यादा यूज़ होती है हर चीज़ में और वो हमारी स्किन को कैसे टैन फ्री और कैसे एकदम क्लियर बना देती है। ओके सो गाइज वी आर ऑल डन विद द फेस वॉश, बट मैं क्या करता हूँ फेस वॉश के बाद आई यूज़ मामा अर्थ का विटामिन सी फेस सीरम। अब ये सीरम क्या करता है ना, लिटरली पहली बात तो ये कि वेन यू अप्लाई इट ये आपकी स्किन में गायब हो जाता है, लाइक स्किन से एकदम दिखता नहीं है और ये आपकी स्किन को देता है एकदम नेचुरली इल्यूमिनेटिंग स्किन। तो गाइज ऑल डन विद फेस वॉश एंड स्टफ, आई जस्ट वॉन्ट टू टेल यू कि मामा अर्थ का एक एम है यार, दे वॉन्ट टू प्लांट 1 मिलियन ट्रीज बाई 2025, जिसमें आप लोग भी हेल्प कर सकते हो। यू जस्ट हैव टू बाय द प्रोडक्ट, मतलब अपने लिए आप कुछ कर रहे हो एंड यू आर एडिंग टू द प्लानट, समझ रहे हो ना। तो यार इफ़ यू बाय एनी थिंग फ्रॉम मामा अर्थ वेबसाइट वो आपका जो ऑर्डर है उसको लिंक करते हैं एक ट्री से, सो इफ़ यू कैन and want to help the planet you just have to buy for yourself. guys if you want to buy any of these products sare ke sare link description mein hai, but if you want to avail my code jo ki hai gameofleet 2021 to agar aapko ye use karna aapko milega 20% discount. bas aap logo kya karna hai, ya to fir mamaearth ki newly launched app mein jana padega, bhai ios android dono mein hi available hai aur literally aapko sari sales sab kuch ke bare mein sabse pehle pata chalega. to main to bolunga download kar lo and ya fir aapko jana padega website pe jahan par bhi ye code use hota hai, baki amazon का और फ्लिपकार्ट के लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है। तो गाइस चलो मैं फटाफट से नहा के आता हूँ और उसके बाद आपको बताता हूँ स्टोरी कि मैंने कैसे अपनी ड्रीम बाइक और अपने बीच की दूरी को एकदम मिटा दिया। तो गिव मी 2 मिनट्स, फटाफट से नहा के आता हूँ तुम्हारा भाई और फिर मिलते हैं व्लॉग में। ओके तो गाइस मैं जस्ट नहा के आया और मैं बाइक अंदर लेके आ रहा था कि मम्मी ने बताया कि भाई पोम्पू को उसका आज वैक्सीनेशन लगना है, थर्ड वाला शायद से, यस रेबीज का कुछ है। तो यार एक सीन ये हो गया है कि अब हमको जाना पड़ेगा क्योंकि आज लॉकडाउन 1 बजे तक खुला हुआ है और तुम्हारे भाई की नींद 11 बजे के बाद ही खुलती है, तो किसी और दिन ये हो नहीं सकता। तो मुझे आज कैसे भी जाके पोम्पू को इंजेक्शन लगाना है। तो मैंने तो मम्मी को क्लियर बोल दिया, मम्मी प्लीज यार थैंक यू फॉर द कॉन्टेंट। तो दोस्तों जोक्स अपार्ट, मेरा दोस्त अभी आने वाला है जस्ट, तो हम लोग फटाफट से थोड़ा गेयर अप कर लेते हैं और फिर वो आता है तो हम लोग निकलते हैं, बाइक निकालते हैं जरा बाहर को और पोम्पू को लगा के आते हैं उसकी थर्ड वैक्सीनेशन, देन कंटिन्यू करते हैं व्लॉग। ओके तो गाइस जो मेरा दोस्त गौरव आने वाला था वो आ चुका है और अब जल्दी से हम लोग जाते हैं और पोम्पू के लगा के लेके आते हैं रेबीज का इंजेक्शन, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है यार। लिटरली यहाँ पर रिकॉर्ड करते समय ना मेरे को ऐसा लग रहा है जैसे डेजा वो हो रहा है, लाइक लिटरली यहाँ पर हम लोगों ने लास्ट टाइम भी रिकॉर्ड किया हुआ था। अभी भी हम लोग पोम्पू को जो उसकी थर्ड वैक्सीनेशन लगनी है वो पूरा रिकॉर्ड करेंगे, टेंशन वाली बात नहीं है। तो चलो फटाफट से अंदर चलते भाई, सांस नहीं जा रही डबल मास्क में इतना बोलने पर, पता नहीं तुम लोगों को सुनाई भी दे रहा होगा नहीं दे रहा होगा। तो चलो चलते हैं फटाफट से और करते हैं पोम्पू का तीसरा इंजेक्शन। तैयार है बेटे, बेटे एक और इंजेक्शन। चलो अंदर जाने का टाइम आ गया उनकी। तो यार जितना टाइम लगना चाहिए था उससे ज़्यादा लग गया थोड़ा सा,
बट आखिरकार काम हो गया, थोड़ा सा इशू आ गया था मेरे पास कैश में, मैं कहानी तुम्हें घर जाकर समझाता हूँ। और बाकी अभी पंपू का पूरा वैक्सीनेशन हो गया है, अब 1 जुलाई को वापस आना है, तो देखते हैं। हाँ भाई बहुत ज़्यादा थक गए, सीधे जाते घर और कंटिन्यू करते ब्लॉग को। पंपी को तो पसंद आ गई भाई इसकी नई वो, है ना। मम्मी इसको बेल्ट पहना दो और इसको देख लेते हैं, इसको घुमाते पंप की। चल चलो भाई इसके गले में डालो, चलो भाई चलो इसको डॉगी बना के घुमाते हैं, चलो। नहीं पंपिया मेरा पंपिया और मेरा पंपिया। तो गाइस ये स्टोरी है एक 18 साल के लड़के की और उसके ड्रीम बाइक की। तो जब मैंने 12th क्लियर करा था, मैंने अपने पापा को सबसे पहली चीज़ बोलती कि मेरे सारे दोस्तों के पास एकदम बढ़िया बढ़िया बाइक थी, किसी का CBR 250, किसी के पास लाइक पल्सर 220 FF, मतलब समझ रहे हो बहुत बढ़िया बढ़िया बाइक्स थी, लाख लाख 2 लाख की। और फिर मेरे को वही था कि मैंने पापा से बोला पापा मेरे को एक बाइक दिला दो, और मैं बहुत जिद्दी तरीके से बोला था, मैंने पहली बार जिद करी थी पापा से किसी चीज़ के लिए, कभी नहीं मांगता कुछ भी, बट बहुत हो गया, बहुत मन करता था मेरे बाइक का। तो मैंने पापा से बोला था पापा मेरे को एक बाइक दिला दो, पल्सर 150 दिला दो, ठीक है। मुझे नहीं पता पल्सर 150 कितने की आती है उस टाइम पे, मैंने कुछ चेक नहीं करता, उस टाइम पे 80,000 के आसपास की थी। तुम समझ रहे हो मेरे पापा बीइंग अ कंडक्टर वो 10,000 रुपये महीने कमाते थे, और उनका बेटा बोल रहा है मुझे 80,000 की चीज़ ला के दे दो बिल्कुल, है। तो मेरे को आज बहुत गंदा लगता है कि मैंने क्यों करा ऐसा, जिद क्यों करी। और लेकिन फिर मेरे पापा ने बैठ के समझाया मेरे को, क्योंकि मेरे पापा बीइंग अ पर्सन जो 16 साल या 15 साल की उम्र से, मतलब कर तो बचपन से रहे क्योंकि लाइवलीहुड तो चलानी था, ठीक है, लेकिन 16 साल की उम्र से एक प्रॉपर जॉब करना, वो भी विदाउट एनी डेज ऑफ ऐसे करके। तो उन्होंने मेरे को बैठ के समझाया कि देख मेरी सैलरी इतनी है, मैं तुम लोगों का पेट पाल सकता हूँ, बट मैं तुम लोगों के ऐसे शौक पूरे नहीं कर सकता, तुम्हें अगर अपने शौक पूरे करने हैं तो तुम कमाओ और खाओ। मेरे पापा का एक बहुत बढ़िया डायलॉग है, ये मेरे पापा बहुत बढ़िया बोलते हैं कि कमाओ और खाओ, मतलब कि तुम अपना कमाओ खाओ, मैं तुम्हारी खुशी में शामिल हूँगा, लेकिन मुझसे ये सब चीज़ों का एक्सपेक्टेशन मत रखना, ठीक है। और मेरे को उस टाइम पे समझ में आ गई थी ये बातें, फिर मैंने कहा ठीक है भाई कैसे भी लेंगे। तो सबको पता है मेरे YouTube जर्नी ऐसी 2017 के आसपास पे स्टार्ट हुई थी, बट मुझे पता नहीं था, जैसे मैंने पहले ही बताया आप लोगों कि YouTube में एक्चुअल में पैसे कमाए जा सकते हैं, मेरे को ये चीज़ें नहीं पता थी। तो मैंने जॉब करी, फिर मेरा गोल था, मैं जब दिल्ली में जॉब करता था मेरा गोल था कि मैं हर महीने 1,000 रुपये अपनी सैलरी में से सेव करूँगा। मैं 16,000 कमाता था उस टाइम पे दिल्ली पे, लेकिन मैं अपना रेंट भी देता था, कपड़े खाना पानी और ट्रैवल सब कुछ, तो कुछ भी सेव नहीं हो पाता था, लेकिन मैं कैसे ना कैसे करके 1,000 रुपये साइड रख लेता था बाइक के लिए, ऐसे चलता रहा। बट फिर उसके बाद कुछ टाइम पे के बाद मैं वो जॉब कंटिन्यू नहीं रख पाया, और उसके बाद वो जॉब मैंने छोड़ दी। और उसके बाद उसके आगे को मैंने क्या किया कि जब मैं यहाँ से फिर से दिल्ली गया, उस टाइम पे मैं स्टॉक ब्रोकरेज में काम करने वाला था, मैं एक स्टॉक ब्रोकर बनने वाला था, मैंने कोर्स कंप्लीट कर लिया था, बट उस टाइम पे पैंडेमिक हो गया था, फिर मैं घर आ गया था। देन आई स्टार्टेड यूट्यूब, देन यूट्यूब बूम सब कुछ हुआ, एंड अभी मैंने जो मेरी ड्रीम बाइक थी, तुम समझ रहे हो ये बाइक ऑन रोड 3,20,000 की है, वो भी कैश में, जब आप पूरा पैसा देते हो 3,20,000 की, तो मैं 1,000 रुपये जो सेव करता था मैं अगले 5 साल में ये बाइक ले पाता, 320 महीने, ज़्यादा 5 साल से भी ज़्यादा। तो फाइनली ये बाइक मैंने ले ली, ठीक है कैश नहीं कर पाया क्योंकि सीधी सी बात है इतना भी औकात नहीं है, अभी धीरे धीरे करके बढ़ेंगे जो भी होगा, बट मैंने ये फाइनेंस भी करी और ये अगले 2 साल में फुली मेरी हो जाएगी, मतलब है तो मेरी, नाम भी मेरा उसमें, लेकिन वही है ना कि अभी सारे प्रोसेस के थ्रू जाएगी, लेकिन दिल से बहुत सेटिस्फाइंग और बहुत अच्छा लगता है कि ठीक है यार तुम्हें कोई चीज़ चाहिए थी और तुमने ले ली, मतलब समझ लो भाई 2014 में शायद से 2014 में हाँ 2014 में मैंने वो करा था, जिद करी थी कि मेरे को एक बाइक चाहिए सब कुछ। और उसके बाद 2021 में अभी फरवरी में बर्थडे के बाद या फिर बर्थडे से थोड़ा सा पहले शायद से मैंने ये बाइक ली थी, KTM हल्द्वानी की सर्विसेज इतनी गंदी, मतलब लिटरली उन्होंने मेरे को भाई नंबर प्लेट मेरी कितने टाइम बाद है मैं तुम्हें बता नहीं सकता, भाई RC मेरी कितने टाइम बाद है मैं बता नहीं सकता। अगर अनुराग भाई नहीं होते ना UK07, उनका चैनल चेकआउट करना भाई, ह्यूज शाउट आउट टू हिम, अगर वो नहीं होता ना भाई तो लिटरली मेरे को नहीं लगता कि मेरी गाड़ी का रजिस्ट्रेशन भी कंप्लीट हो पाता भाई, इतना इतनी बकवास ना मैं तुम्हें बता नहीं सकता ब्रो। लाइक मेरे को तो लगता है माय पेरेंट्स आर हैप्पी एंड एवरीथिंग, बाकी यार वही है ना कि मतलब मेरे को इतनी ज़्यादा पसंद है भाई, सब कुछ है, ये मेरी ड्रीम बाइक है यार भाई, तो मैं बहुत खुश हूँ। बट सैडली मेरी लाइफ जो है वो उसके अराउंड रिवॉल्व नहीं करती, मेरी लाइफ जो है पूरी यूट्यूब के अराउंड रिवॉल्व करती है। तुम लोग देखते हो हमेशा मैं कंटेंट डालते रहता हूँ, मैं हमेशा एडिट कर रहा हूँ, वो सब कर रहा हूँ, तो मैं कभी कभार इसको निकालता संडे राइड्स के लिए, निकालता हूँ संडे मॉर्निंग राइड्स के लिए सब कुछ, कभी कभार 2 वीक में 3 वीक में एक बार, उसके अलावा यही रहती है क्योंकि इस बार लॉकडाउन चल रहा है, बाहर जा नहीं सकते, और तुम्हारा भाई 5-5 बजे तक जब सुबह की एडिटिंग चल रही है तो फिर उसके बाद उठ के कैसे ही करेगा, तो वो चीज़ है मेरे पास टाइम नहीं है उसको चलाने के लिए, वही मेरे को एक सैड चीज़ लगती है।
वरना अगर टाइम होता तो क्या ही मस्त मैं इसके मजे ले रहा होता यार। पापा मम्मी के लिए तो एकदम यूजलेस बाइक हो मेरे, मतलब मेरी मम्मी खुश हो जाती, मेरे पापा खुश हो जाते कि मैं एक स्कूटी ले लेता तो इसकी जगह, और मम्मी तो भाई अगर मैं टेम्पो ही ले लेता ना तो ज़्यादा खुश हो जाती, मतलब लिटरली भाई कि मतलब इसमें सामान सब्जी वब्जी सब ले आओ करके, ठीक है हर हफ्ते। लेकिन द थिंग इज देखो इसकी सीट बहुत ऊँची है, इसमें मम्मी बैठ नहीं सकती ढंग से, ठीक है। एक बार जिस दिन हम लेके आए थे उस दिन इसकी जब पूजा करवाने लेके थे, नारियल वारियल फूटे थे, उस दिन मम्मी बैठी थी और घर आके मेरा सर तोड़ा था मम्मी ने चप्पल से कि ये क्या बाइक है इतनी ऊँची है वही वो करके। पापा के लिए भी ऑलमोस्ट यूजलेस ही है क्योंकि इसका फ्यूल इकोनॉमी इतना खतरनाक नहीं है, मतलब समझ रहे हो ये तेल बहुत ज़्यादा पीती है। अभी के लिए आई थिंक लेट्स रैप दिस व्लॉग हेयर। तो ये थी स्टोरी कि कैसे मैंने लिया सब कुछ किया, एंड सिंसियरली टॉकिंग यार आई एम रियली सुपर प्राउड ऑफ माई सेल्फ, और मैं खुश होता हूँ कि यार कुछ था सपना और कर लिया। अभी बहुत सारे सपने पर धीरे धीरे करके कंप्लीट करेंगे, देखते हैं कैसे कैसे चीज़ें बढ़ेंगी। और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस व्लॉग, मेरे को बताना अगर वीकली तुम लोगों को व्लॉग चाहिए। बाकी मामा अर्थ के सारे डिस्क्रिप्शन में लिंक्स हैं, सब कुछ है, ऐप उनका डाउनलोड कर लो एंड एवरीथिंग। बाकी मैं मिलूंगा आप लोगों से नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाकी बताना अगर वीकली व्लॉग्स चाहिए होंगे तो, मतलब हर हफ्ते में एक व्लॉग मुश्किल रहेगा बट मैं कोशिश करूंगा अगर तुम लोगों के कमेंट्स आते तो, ठीक है बाय बाय। देखो क्या हो रहा है यहाँ पर, हमें इसकी नलाई हो रही है आज। हाँ यार नहला रहे है बेचारा, अभी अभी इंजेक्शन खा के आया है और आज नहलाई भी हुई है। पंपुना शिवांगी तुमको नहलाना आता है, इसको खाली बैठी भी हो। अरे नहलाना आता है। है? आता है। सही है यार, मेरे को दिख रहा सारा काम तो ताई कर रही है तुम्हारी। अरे यार एक आपके इसको बांध रखा पूरा। अच्छा तुमने पकड़ा हुआ है क्या? हाँ। ठीक है यार भाग जाता है।